चीजें महंगी, सब कुछ है। हरियाणा वाले भाई लोग आए हैं इस साल, कोई नीचे से पाव फेंक रहा है, कोई नीचे से कुछ फेंक रहा है, सब मिल जाएगा, आप आराम से यहाँ परचेज कर सकते हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू वन मोर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग भाई, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज सुबह से प्लान थी भाई कि मैं जाऊँगा एक जगह पे, एलिफेंटा, मैं पहले बता देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ भाई रेलवे स्टेशन, वहाँ से टिकट लूँगा और आगे की जर्नी आप खुद देख के इन्जॉय करिए। कुछ भी रहेगा, क्वेरीज रहेंगी पूछने से रिलेटेड इस जगह के बारे में, तो ऑलरेडी मैं सब कुछ कवर करूँगा, कैसे जाएँ, कहाँ से जाएँ, कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा लगेगा। बट इन सबके अलावा अगर कुछ भी रह जाएगा तो आप कमेंट करना, मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो भाई मेरी घड़ी में बज गए 1:03 और अभी मैं चर्च गेट रेलवे स्टेशन पे हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो गेटवे शेयरिंग कितना, 30 रुपये सीट है। लाइन लग गई, देखो 112 नंबर की बस पीछे आ रही है। तो यहाँ पे कैब वगैरह भी है शेयरिंग के लिए, 30 रुपये लोग ले रहे हैं। बट मैंने प्रेफर करा कि मैं बस से जाऊँगा, लेट तो फिर हो रहा है बट ठीक है, बस का अपना ही मजा है। तो चलो चलो, 1:24 और यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ गेटवे ऑफ इंडिया। अगर आपको मुंबई दर्शन के लिए भाई जाना होगा ना, तो यहाँ पे पूरी बुकिंग वगैरह के ऑफिसेस वगैरह हैं, आप यहाँ पे आके इनसे संपर्क कर सकते हो। मुंबई दर्शन काउंटर नंबर 234 इस तरीके से यहाँ पे भाई ना पूरा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मुंबई दर्शन के लिए आपको टिकट वगैरह मिल जाएंगे। कभी मैं फुर्सत में आऊँगा, मेरा प्लान कहीं और का है। सबसे पहले भाई आपका बैग चेक होगा, ठीक है, और वीकडेज को ही आप आना प्रेफर करें, हालाँकि छुट्टियाँ रहती नहीं उस दिन। अदरवाइज़ भाई वीकेंड में आप खुद ही देख लो, आज सैटरडे है, मतलब आधे लोगों की छुट्टी तो वैसे आज नहीं है, संडे को और भी भीड़ होता है भाई। ये पूरी ना लाइन लगी हुई है, आप देखो यहाँ से, ठीक है, 2 बजे की लास्ट बोट है। 260 रुपये की बोट की टिकट यहाँ से मिली है आपको। रेंडमली लोग यहाँ पे दिख जाएंगे, टिकट बेच रहे होंगे और ऐसा टिकट होगा आप उनको ले लेना, मतलब इसके बाद में टिकट लेके यहाँ पे आप सीधे लाइन में आओगे, यहाँ पे टिकट दिखाओगे इनको। मैं देखो, चलो भाई आज पानी कम लग रहा है और ये फेरी है, एकदम भाई संभाल के आना अपने साथ में, अगर कोई रहेंगे तो फैमिली मेम्बर उनको भी आप संभालना। लास्ट ईयर मुझे याद है एक बंदे के मोबाइल गिर गई थी और वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था। मेरा अकेले का भाई अभी फाइनली मैं ऊपर बैठ गया हूँ। 10 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिया है और देने के बाद में किस तरीके से भीड़ थी, मतलब हर कोई भाई चाहता है कि ऊपर जाके आराम से बैठे, फुर्सत से पूरा नज़ारा देखें, और उसके लिए थोड़ी मतलब अब पहले आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी घड़ी में बज गया भाई 1:36 और आप ये देख लो, ये सेकेंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर मैं अच्छे से नहीं दिखा पाया, अभी भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर जगह रहेगी तो इनको लेके आएंगे, अदरवाइज इनको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लॉट के लिए। ठीक है भाई, सामने आपको देखो होटल ओबेरॉय है भाई, तो आज वहाँ पे दिख रहा है। हमारे साथ 2-3 फॉरेन नेशंस भी ट्रेवल कर रहे हैं। एलिफेंटा भाई एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ पे लोग काफ़ी जाना पसंद करते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे जो कैप्टन की केबिन है, कैप्टन के केबिन के जस्ट बाजू में बैठे हम लोग, ये हमारे कैप्टन है सर। अपन मुंबई से अभी बाहर जा रहे हैं, हार्बर साइड में जा रहे हैं। मुंबई से 10 किलोमीटर है भाई, 1 घंटे की जर्नी है, 1:40 पे स्टार्ट करा है और देखते हैं कि अभी हम कभी पहुंचते हैं वहाँ पे। धूप थोड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, लेकिन अच्छा लगेगा। विंटर सीजन में लोग मोस्टली आना यहाँ पे प्रेफर करते हैं। और देखो सब मोबाइल। खाने वाली चीज़ें ना लोग फेंक रहे भाई, इसलिए ये जो समुद्री जीव हैं, हमारे प्यारे प्यारे पक्षी, ये बोट के आजू बाजू।
हमारे साथ हमारा पूरा मिनी हरियाणा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। हरियाणा वाले भाई लोग आए हैं हिसार से। आपका नाम क्या भाई? केवल सिंह। आपका नाम? अजमेर सिंह। अजमेर सिंह। नरेश कुमार। शमशेर सिंह। नरेश कुमार। तो भाई चार पांच लोग हमसे मिले हैं, और आपको कैसा मुंबई कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुंबई जैसा नजारा कहीं नहीं मिला। मुंबई हमको जम गई। ठीक है, तो अच्छा भाई इस तरीके से लोग मिले। चलो थैंक यू भाई। थैंक यू। मेरे पीछे जो बर्ड उड़ रहे हैं सोच रहे हैं कि मतलब मैं कुछ ऐसा दे रहा हूँ उनको खाने के लिए, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं काफ़ी सारे लोगों को खिलाया, मतलब हाथ में लेके भग जा रहे हैं। सब देख रहे हो आप, ये सब हाथ में कुछ भी आप मतलब चिप्स हो गया या फिर कुरकुरे वगैरह हो गया, आप ऐसे लेके खड़े रहोगे ना वो लेके भग जाएंगे। कितने सारे हैं देखो, कितने सारे हैं देख रहे हो। कोई नीचे से पाव फेंक रहा है, कोई नीचे से कुछ फेंक रहा है। ओहो, क्या ही बात है, क्या ही बात है भाई। तो ये भाई अच्छा अच्छा लगता है, मतलब ये सब आप दिखेंगे ना, आपका टाइम कैसे निकल जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा। एक घंटे की जर्नी है लगभग, लेकिन वो एक घंटा एकदम आराम से, मतलब एकदम आसानी से हंसते खेलते ऐसे पक्षियों के बीच में कैसे गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। देखो देखो ऐसा लग रहा है मतलब एकदम पास में ही है, एकदम दोस्त मित्र हैं सब। 2:38 और हम लोग लगभग पहुँच गए हैं यहाँ पे। भाई आपको सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी, पानी बॉटल मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा, आप आराम से यहाँ पे परचेज कर सकते हो, खुद भी खा सकते हो और पक्षियों को भी खिला सकते हो, है ना भाई। इस तरीके से है, अभी आप देखो आगे अपना जेटे एलिफेंट है, एलिफेंट है। लास्ट कितने बजे था भाई? ये 6 बजे तक। 6 बजे? 6:30 बजे बोट रुका रहेगा, रुका रहेगा, जब तक नहीं आता है तब तक जाता नहीं है। टिकट अब नहीं दिखाना पड़ता? टिकट वही दिखा के दिखाना पड़ता है, बोट में जाना पड़ता है। कौन से भी होने पड़े, यहाँ से बोट सब जा भी रही हैं और ये वाली बोट अभी जा रही है, जब हम लोग आ रहे हैं तो इन लोग जा रहे हैं। आराम से एक एक करके आ जाओ भाई। आपको भाई अगर उतरने को दिक्कत होगी तो यहाँ पे भाई लोग आपको उतार भी देंगे, हेल्प भी कर देंगे। वेलकम टू एलिफेंट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट, लोकल गाइड अवेलेबल। काय का टिकट भाई? ट्रेन का टिकट 18 रुपये आना जाना। ट्रेन का टिकट 18 रुपये आना और जाना दोनों। टाइम क्या रहता ट्रेन का वैसे? 10-10 मिनट एवरी 10 मिनट में भाई आपको टिकट मिल जाए, ट्रेन मिल जाएगी। ₹8 में आना जाना दोनों है। अरे बाप रे, देख रहे हो ये मुंबई लोकल बना दिए पूरा। दो बज के 46 मिनट पे चालू हुई है और पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूँ, देखो ज़्यादा चली नहीं आगे, ठीक है, ये थोड़ी आगे गई अभी। और अगेन मतलब जैसे मैंने रिव्यू में देखा था कि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत भगदड़ हो जाती है, तो ऐसे में मतलब मुझे आज नहीं लगा भगदड़। तो अगर आपको सब कुछ प्रॉपर दिखे ना, आप बिल्कुल 8 रुपये का टिकट ले सकते हो, आपको जाने को मिलेगा, आपको आने को मिलेगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कुछ और टेंशन नहीं है। बट मैं सोचा कि ये भी इतनी भीड़ दिखी मुझे और मैं बोला कि ये भी क्या ही बैठना, तो वॉक करके मैं चले जाता हूँ, तो इसलिए मैं वॉक प्रेफर कर रहा हूँ। अदरवाइज कर सकते हैं थोड़ा, ये 500-600 मीटर तो चलना है, उसमें क्या है। हाँ, फन चाहिए, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप बिल्कुल भाई बैठ सकते हो। गर्मा गर्म आपको भुट्टे भी मिल जाएंगे। कैसे भाई? 44 रुपये। जैसे वहाँ से आओगे वहाँ भी स्नैक्स वगैरह दिखेगा आपको भाई, यहाँ पे भी लेमन वगैरह, आइस, और उसके बाद में जो भी चीज़ें मतलब आपको खाने पीने वाली कुछ भी चीज़ चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ आपको सामान भी खरीदना होगा भाई यहाँ पे मिल जाएगा, रीजनेबल रेट। कैसे भाई रेट, कैप वगैरह कैसे? 100-150 तो रेट्स बहुत रीजनेबल रहते हैं। आते टाइम मैं देखूंगा यहाँ पे स्पेक्स वगैरह भी आपको दिख जाएंगे। ट्रेन छोड़ के भी आ रही है। सबसे ज़रूरी बात भाई, इन बंदरों से सावधान रहना, आपके हाथ में कुछ भी रहेगा ना ये छीन के भग जाएंगे। पिछली बार आया था तो एक का पर्स लेके भग गए थे इन लोग, ठीक है। इनसे बहुत अलर्ट रहना, दूर रहने की कोशिश करना, अपना सब सामान अंदर रख के रखना, ठीक है। और भाई कुछ भी लेने के लिए ना आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। मैं एक बार वहाँ से जब रिटर्न आऊँगा ना तो आपको बताऊँगा क्या है कैसे है, और नहीं बता पाए तो आप खुद समझ लो यहाँ पे कैसे है। बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब खाने पीने के लिए भाई, यहाँ पे डोसा, पाव भाजी, महंगी सब कुछ है। यहाँ पे भी एक स्टॉल था और अंदर जब हम लोग एंटर कर रहे थे वहाँ पे भी एक स्टॉल था। टिकट लेना पड़ेगा आपको, विदाउट टिकट फाइन है। ग्राम पंचायत घारापुरी प्रत्येक सोमवार ये बंद रहती है, सोमवार को आपको नहीं आना। एडल्ट का
12 साल से ऊपर है तो 5 रुपये, चिल्ड्रेन का है तो 6 से 12 साल का 3 रुपये, और स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ट्रिप है तो 1 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिखा हुआ है। एक ही 5 रुपये खुला दे दो, ऑनलाइन नहीं चलता यहाँ पे। सबसे पहले 5 रुपये का आपको एक एंट्री फीस लगेगा, जो गांव या ग्राम पंचायत में भी हम एंटर करते हैं तो महाराष्ट्र में बहुत जगह पे ऐसा है कि आपको एंट्री फीस देना पड़ेगा, तो 5 रुपये हमने यहाँ पे दिया है। शायद जो केव है, केव का अलग से है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, तो वहाँ पे 40 रुपये शायद एंट्री फीस कुछ लगता है। चल के हम लोग देखने वाले हैं। एंट्री पे ही यहाँ पे टॉयलेट है, लेकिन यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा 5 रुपये, मतलब अंदर जाने का 5 रुपये। आपको कुछ भी करना हो, 5 रुपये अगर आपको बचाना होगा ना, आप अंदर जाओ, अंदर पूरा फ्री में है। ऊपर थोड़ा चढ़ना पड़ता है, ऐसे में बोथ वे रिटर्न 2000 रुपीज़, डॉली स्टैंड फॉर केव्स 1600 रुपये। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी है, चेयर डॉली, इस तरीके से डोली बोलते हैं इसको। तो आप यहाँ पे बैठोगे, एक बंदा यहाँ से और एक बंदा पीछे से आपको उठा के ऊपर लेके जाएगा ना भाई। और ये 1600 या 2000 है, तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है भाई, तो आप उनको बिल्कुल ये सुविधा उपलब्ध कराइए। यहाँ पे ठीक ठाक चढ़ाई करनी पड़ती है, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना। साथ में पानी बोतल अपना अपने पास रखना, प्यास लगेगी तो आप पी लेना। यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो। सेकंड थिंग, शूज़ वगैरह पहन के आना, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, और कपड़े जितने हल्के रहेंगे उतना अच्छा रहेगा भाई। जीन्स पहना हो, गर्मी जैसी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे भाई हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं ना, काफ़ी भर भर गए हैं। यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, किचन है, और बहुत सारी चीज़ें भाई। 150-200 तो सीढ़ियाँ रहेंगी कम से कम। वही फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एलिफेंटा केव्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टिकट लेने के लिए भाई। ठीक है, स्कैन और पे। ओके भाई, अगर आपको यहाँ पे नहीं करना है तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो और यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, राष्ट्रीय सीता का चयन करें, टिकट संख्या वो मोबाइल नंबर डाले, पूरा आपको डिटेल में करना पड़ेगा। इससे अच्छा यहाँ पे ले लेते ना भाई। ठीक है, यहाँ पे देख लो, इंडियन के लिए 40 रुपीज़, फॉरेनर के लिए 600 रुपीज़, और चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर फ्री। अगर कोई इंडियन सिटीजन है 40 रुपीज़, कोई अगर बाहर का सिटीजन बिम्स्टेक कंट्री का है या फिर सार कंट्री का है तो 40 रुपीज़, अगेन कोई फॉरेन सिटीजन है तो 600 रुपया, चिल्ड्रन 15 साल से नीचे के है तो फ्री है। वीडियोग्राफी फॉर पर्सनल यूज, अगर हैंडी कोई कैमरा है तो 25 रुपये, और फिल्म शूटिंग वगैरह करना होगा तो 1,00,000 पर डे, एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 रुपये। फोटोग्राफी विदाउट ट्रिप्ड फॉर पर्सनल यूज फ्री है। फॉर स्टिल फोटोग्राफी प्रायर परमिशन मस्ट बी टेकन, मेरे को मना कर दिया इसने फोटो वोटो, मतलब ठीक है लेटेड भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम हो रहा है तो क्या ही जाता है। बंदरों से सावधान वहाँ पे अच्छे से लिखा था। ये भाई पूरा प्लान है एलिफेंटा केव का, महायोगी शिवा रावणा सेकिंग कैलासा 2 नंबर 3 नंबर, इस तरीके से यहाँ पे आपको एंट्री गेट पे ही यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा। आपको कहाँ जाना है नंबर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, 1, 2, 3 करके आप जा सकते हो, फोटोज़ वगैरह ले सकते हो। काफ़ी सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, यहाँ पे भी लिखी गई है, यहाँ पे भी लिखी गई है। आपके पास जैसा टाइम परमिट करे आप वैसा आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। बंदरों से सावधान इस तरीके से, अभी मैं मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, इन्होंने मेरा गोप्रो रखने बोला, स्ट्रिक्टली बोला, अदरवाइज वो ले लेंगे, तो ठीक है मैंने उनको फॉलो करा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, मतलब कि आप फॉलो करना, फूल वगैरह मत तोड़िए, बंदरों से सावधान इस तरीके से है। ये आपका मेन यहाँ से स्टार्ट होता है एलिफेंटा केव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, मराठी में, हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। मैं सोचा गाइड ले लूँ, लेकिन गाइड भाई 1200-1500 मांग रहा था भैया, अकेले के लिए इतना अफोर्ड करना डिफिकल्ट है। तो एलिफेंटा द्वीप का अभी आप पूरा अच्छे से ना भाई पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है भाई, हम लोग जा रहे हैं सबसे पहली गुफा में। कीप साइलेंस, मेंटेन साइलेंस। महायोगी शिव का मंदिर है, और यहाँ पे पूरी आवाज़ें ना गूंज रही है, आप जहाँ भी जाओगे, क्योंकि इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे। सर
मूर्तियाँ भाई पूरी खंडित हो गई समय के साथ में। और जहाँ तक मैं पढ़ पाया था ना, सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगीज आए थे, मतलब पुर्तगाली लोग आए थे, उनको हाथी की यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ दिखी थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। भगवान शिव की भाई यहाँ पे मूर्ति है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है, जिसे धारापुरी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें से 1 से लेकर 5 नंबर की गुफाएं हिंदू संस्कृति की तरफ इशारा करती है, जबकि 6 और 7 नंबर की गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित है। इस एलिफेंटा द्वीप पर भगवान शिव की विशाल मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी, जो हिंदू गुफा संस्कृति का एक जीता जाता सबूत है। यहाँ देवों के देव महादेव द्वारा दैत्यराज अंधकासुर के वध को बहुत ही बारीकी से दर्शाया गया है। साथ ही रावण द्वारा संपूर्ण कैलाश पर्वत को अपने बलशाली भुजाओं से उठाने का भी जिक्र यहाँ की मूर्तियों में देखने को मिल जाएगा। एक मूर्ति में माता पार्वती को महादेव के साथ बैठा दर्शाया गया है, वहीं एक और मूर्ति में भगवान के अर्धनारीश्वर रूप को बहुत ही बारीकी से दर्शाया गया है। मुख्य गुफा में बनी त्रिमूर्ति यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है, जिसमें दाईं तरफ भगवान शिव के अघोर रूप यानी काल भैरव और बाईं तरफ उनके सौम्य रूप के रूप में वामदेव को दर्शाया गया है। और वहीं राजा भागीरथ के अथक प्रयासों के बाद माता गंगा धरती पर प्रकट होती हैं, तो उन्हें अपनी जटाओं में स्थान देने वाले महादेव के गंगाधर रूप को भी यहां बहुत ही बारीकी से दर्शाया गया है। इन गुफाओं का निर्माण कब किया गया था, इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। कोई कहता है कि गुफाएं पांडवों ने बनवाई थी, कोई कहता है गुफाएं गुप्त वंश के राजाओं ने बनवाई थी, लेकिन इसके पीछे अभी कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह को दर्शाती कल्याण सुंदर मूर्ति काफी आकर्षित करती है। यहाँ पे पूरा पानी भरा पड़ा है और एक तालाब जैसा दिख रहा है। यहाँ पे मोटर वगैरह भी लगे हुए हैं, पूरा भरा पड़ा है। और शिव मंदिर में पश्चिमी भाग है और भाई यहाँ पे भी एक शिवलिंग है, पता नहीं ऊपर से कुछ से लोग बता रहे थे क्या है। और ये भाई अंदर से पूरी गुफा है। और अब मुझे पता चला कि लोग क्यों अवॉइड करते हैं वीकेंड पे आना, और सजेस्ट भी करते हैं कि आपको वीकेंड को ट्रेवल नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतनी भीड़ है कि मैं बता ही नहीं सकता कितनी ज्यादा भीड़ है। भाई एक शिव टेम्पल है, सामने दो दो शेर हैं इस तरीके से यहाँ वहाँ, और अंदर एक शिवलिंग है। ये शायद कोई बैठका वगैरह रहा होगा, काफ़ी सारे स्पेस यहाँ पे है। हमारे गांव में जैसा दालान वगैरह रहता है ना, वैसा है। और ये आपका एक हॉल के जैसा है, मूर्तियाँ हैं जिस तरीके से चीज़ें हैं। और भाई यहाँ पे पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था है, तो आपके पास अगर बॉटल वगैरह रहेगा आप यहाँ पे आराम से पानी भर के पी सकते हो। फिर पहाड़ियाँ वगैरह भी हैं, तो आप जब केव से बाहर निकलोगे यहाँ पे थोड़ा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो, बैठ सकते हो और आराम से यहाँ पे नज़ारे देख सकते हो। अभी उतना हरा नहीं है, मानसून में काफ़ी हरा हो जाता है, फ़ोटो वगैरह ले सकते हो, बट वंस अगेन बंदरों से सावधान। और ऊपर भी एक भाई एक शेर दिख रहा है मुझे, शेर को अच्छे से लाल रंग से रंगे हुए हैं, और अंदर उसी तरीके का शेर अंदर मंदिर में दिख रहा था। कितना छोटे से बच्चे, देखो देखो एकदम छोटे छोटे। और देखो इनके हाथों में आइसक्रीम है। बैठने के लिए अच्छे से पूरा भाई शेड लगे हुए, मतलब वहाँ पे बैठने की जगह थी बट किसी भी तरीके का शेड नहीं था, यहाँ पे शेड लगा हुआ है, कुछ चेयर लगी हुई है, आप आराम से बैठ सकते हो। आइसक्रीम बेच रहे 10 में एक। गहरा है, काफ़ी गहरा लग रहा है, कभी कुंड वगैरह रहा होगा। और अंदर आने के बाद में मुझे लग रहा है कभी बनने का प्रयास हुआ रहेगा बट कंप्लीट बना नहीं रहेगा उस तरीके से। ठीक है।
जैसा कुंड वहाँ पे था उसी तरीके का भाई कुंड यहाँ पे भी है। ए भाई यहाँ पे एक और केव है, यहाँ की एक और गुफा। यहाँ पे काफ़ी सारे केव्स है भाई, मतलब सीरीज ऑफ केव्स। केव नंबर फोर भाई। वंस अगेन यहाँ पे भी एक मंदिर है, हर गुफा में मुझे एक मंदिर देखने को मिला, ठीक है। तो केव नंबर फोर में भी एक शंकर जी का मंदिर है। यहाँ पे कुछ खंडित मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे भी कुछ खंडित मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पे लिखा गया कि गुप्त कला का मतलब है, इस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी जब रही होगी तब का है। अंदर एक मतलब रूम जैसा बना हुआ है, ये पूरा छोटा सा एक रूम जैसा बना हुआ, और एक अभी डोर रहा होगा, ठीक है। उसके साथ ही भाई यहाँ पे भी ऐसे ही है, दो तीन रूम बने हुए हैं। अब देखो यहाँ पे एक और रूम है, और यहाँ पे डोर जैसा रहा। भी देखो पीछे से झरोखा है, इसके पीछे क्या दिखता होगा। ओके, नंबर थ्री हो। तो भाई अभी 4:15 बज गए हैं, जैसा मैं कह रहा था ना, अंदर भी एक टॉयलेट है एकदम लास्ट में, चौथी गुफा के बाद में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आपको अपने फिशेज कुछ देना रहेगा तो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भाई यहाँ पे खाने पीने को आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाहर आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट वो बाहर है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगी हुई है ना, उसके अंदर से बेच रहे हैं, आपको यहाँ से ऑर्डर करना है फिर आपको लेना है। और ये एक गधा भी दिख रहा है, और ये यहाँ की आखिरी गुफा है, ठीक है। इसके बाद पूरा बंद है, आगे कुछ भी नहीं है, और ये लास्ट है फाइनली। कुछ अलग से नहीं है, सब जगह पे कुछ सिमिलर ही है, एक ही जैसा है। वहाँ पे है जो अभी बंद कर दिया है। कहाँ पे? बीसी का बना हुआ है, वो पार्क ऊपर में है। अच्छा, वो बीसी का बना हुआ है। हाँ। दो गुफा बंद कर दिया है, मतलब बंद नहीं है, चालू है, कोई जता नहीं है, अभी कोई आता ही नहीं, जता नहीं है, रास्ता गेट के बाहर से है। रास्ता गेट के बाहर से ही। ओके, तो 5 नंबर भाई यहाँ पे, 6-7 वहाँ पे, एक 5वीं गुफा। रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। ये 5वीं गुफा के अंदर है, यहाँ पे भी एक शिवलिंग है भाई, यहाँ पे भी एक शिवलिंग है। तो शिवलिंग कॉमन था भाई, जूता पहने मत छुओ। वड़ा पाव कैसे आए? वड़ा पाव 20 रुपए। अने चाह? चहा दहा रुपए। तो भाई एक वड़ा पाव खाऊंगा सोच रहा हूँ, और एक चाय पीते हैं। अभी मेरी घड़ी में बज गया है 4:26, और मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ना, वहाँ पे 5 नंबर की गुफा है, ठीक है। उसके जस्ट सामने यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह दे रहे थे, मैंने एक वड़ा पाव खाया, बहुत छोटा सा वड़ा पाव था 20 रुपए में, बट ठीक है, भूख लगी हुई थी तो मैंने अभी खाना जरूरी समझा। बाहर निकलूंगा, कुछ मन करेगा तो खाऊंगा, नहीं मन करेगा तो नहीं खाऊंगा, सीधे चर्चगेट पहुँच के कांदीवली पहुँच के ही खाऊंगा, ठीक है। चलो अब उस साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, वहाँ पे चल के कुछ तोप वगैरह है, उसे देखेंगे, उसे एक्सप्लोर करेंगे और फिर निकल लेंगे। देखो भाई ढूंढ रहे हैं, कुछ तो ढूंढ रहे हैं कि कुछ तो मिल जाए, और बेचारा उसी में से खाने की कोशिश कर रहा है। बंदरों की पूरी फौज है भाई, अपनी चीज़ों से सावधान, अदरवाइज लेके भाग जाएंगे। और भाई आप जैसे यहाँ से एंट्री करोगे, आप अपने लेफ्ट में जाओगे टूवर्ड्स केव के तरफ, और अपने राइट में आप जाओगे टूवर्ड्स कैनन हिल, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, 10 मिनट का यहाँ से रास्ता है, तो यहाँ से हम जाएंगे तोप देखने। फोटो ले रहा हूँ भाई, क्यों देख रहा है मेरे को, फोटो ही तो ले रहा हूँ भाई। देखो पूरा परिवार है। ओ भाई साहब, सब छीन लेंगे भाई, इससे कर क्या लेंगे, कैसे हो? अभी भी यहाँ से 500 मीटर दूर है, 500 मीटर और चलना है। काफी ये मनमोहक जगह है, अगर आप सुबह सुबह यहाँ पे आओगे ना अर्ली मॉर्निंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पूरी ग्रीनरी है, आप आराम से बैठो, टाइम स्पेंड करो और रिलैक्स रहो। मतलब घूमते घूमते हमें दो भाई लोग मिले हैं, भाई का नाम? मेरा उत्कर्ष। उत्कर्ष भाई, आपका नाम? यश। यस, और अभी हम लोग मतलब एलिफेंटा के लास्ट पड़ाव पे हैं, ऊपर खाली है ना भाई, खत्म हो गया ना पूरा, बस थोड़ा है टॉप पे आगे, टॉप वगैरह है। हाँ। तो टॉप वगैरह कवर करेंगे, भाई लोग आईआईटी बॉम्बे से है, और इसलिए मुझे अच्छा लगा मिलकर पर्सनली। और इन लोग का प्लान है स्टार्टअप वगैरह का, तो आप लोग बिल्कुल भाई खोलो, ऑल द बेस्ट आप सभी को, ठीक है। आप लोग अच्छे से तरक्की करो, और बड़ा फॉर्म खोलो, आनंद भाई को भूलना नहीं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, मिलते रहेंगे, दुनिया गोल है। नाइस टू मीट यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे कुछ तो रहा होगा पहले, अभी ये पूरा टूट गया है, खंडहर हो गया है, ठीक है, जो भी है
अच्छा लगता है देखने में। हाँ जी की पूरी फौज है, डरेंगे नहीं अपन, डरेगा नहीं अपन, डर तुम लोग मत डर रहे, तुम इंसान से बुरे तो नहीं है लोग, जब भी इनको अपनी मतलब जान खतरे में मिलती है ना तभी ये कुछ करते हैं। एक बड़ी वाली तोप है, इसको बहुत अच्छे से इन्होंने संभाल के रखा है, लेकिन है काफ़ी अच्छी तोप, ये तोप है। वहाँ से इतना अच्छी हवा आ रही, इतनी अच्छी हवा आ रही कि मैं कह नहीं सकता। ठीक है, सामने वहाँ जेटी है आई थिंक जहाँ से हम लोग आए थे, अगेन मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा इसके लिए, पूरा ठीक है। सारी केव कवर हो गई है, दो केव और है जो सेकंड बीसी की है, बट वहाँ पे कोई जाता भी नहीं है और हम क्या ही करेंगे जाके। ठीक है भाई, काफ़ी कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लोर करा, एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, मैंने सोचा था कि कोई गाइड कर लूँगा आराम से, सब इन्फॉर्मेशन गाइड खुद दे देगा, बट गाइड 1500 बोल रहा था, 1200 बोल रहा था, 850 बोल रहा था, ऐसे में मैंने गाइड नहीं करा। यहाँ पे मैं वीडियो अभी के लिए एंड करता हूँ और फ्री पे मिलता हूँ फिर। अभी 5:30 बजने वाला है, समय का अभाव है, ऐसे में मैं कुछ खड़े होकर लेने का नहीं सोचूंगा, सीधे निकलता हूँ। अब जो ट्रेन से आए उनकी मजबूरी है भाई, उनको यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने पे करा है, पैसे का देखें तो 18 रुपये ही लगा है, 9 रुपये स्किप करके वो पैदल जा सकते हैं, बट फिर क्या ही फ़ायदा है, आप पैसे भी दो आप पैदल भी जाओ, तो इसलिए लोग वेट करना यहाँ पे ज़रूरी समझते हैं और वेट करने में टाइम जाता है। ठीक है, हमारे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने टिकट नहीं लिया है वो ऐसे निकल जाए भाई, क्या जाता है। अरे देखो भाई, यही देखने के लिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, बोट पे से बैठने के बाद ना जो ये दृश्य दिखेगा, हालांकि फिर भी मैं लेट होगा, उतना जल्दी मैं नहीं हूँ, अगर बोट मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। और हाँ, ट्रेन आ रही है भाई। भाई इस तरीके से यहाँ पे फेरी लगे हुए हैं, बैठने की सीट तो गई ऊपर वाली सारी, भाई ये भी जा रही है ना, अरे यार ऊपर जाना है। फिर से यहाँ पे 5:45 भाई हमारी फेरी यहाँ से निकली है, और आप देखो तो भाई साहब इसके लिए तो ठीक है भाई, इसके लिए मैं भग के आया। और भाई साहब पैरेलल में हमारे एक और बोट आ रही है, ठीक है, दोनों साथ में चली थी शायद, और ये देखो आधे टाइम जो नज़ारे हमने देखे थे आधे टाइम में सेम है भाई। अभी मेरे पास कुछ है नहीं कुरकुरे वगैरह के मेरे को खिलाऊं, ठीक है, और ये देखो, हाँ, यही तो मज़ा है भाई। मैं एकदम फ्रंट पे बैठा हूँ डेक पे, सेकंड फ्लोर पे, एकदम टॉप पे, हमारे साथ कुछ मंडली भाई लोग भी बैठे थे तो मेरा हौसला भी बढ़ गया कि मैं भी बैठ सकता हूँ। हेलो भाई लोग, हेलो भाई, पहुंच गया मुंबई, क्रेज देखो, अभी भी शाम के भाई बज गए 7, अब देखो, और अभी भी ये बोट भर भर के जा रही है, अभी कहाँ जा रहे होंगे आप खुद ही सोच लो। ठीक है चलो, क्या ये बेहतरीन लग रहा है, ये हमारा यहाँ का ताज होटल है, और लोग बोलते हैं कि ताज होटल में चाय पीने जाएंगे, ठीक है, अभी तक मैं भी नहीं पहुंच पाया हूँ। ये ओबेरॉय है, और ये दोनों ही होटल भाई अटैक जब भी हुआ था 26/11 का काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए थे, लेकिन फाइनली आज देखो अपने मतलब बुलंदियों पे मतलब इतरा रहे हैं, और बिल्कुल भाई इतराना भी चाहिए। ठीक है, हमारी आन बान और शान है, ये है आपका गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ से मतलब लोग आए हैं
जब 1911 में जब यहाँ पे आए थे, कोई तो चार्ल्स किंग वगैरह कोई था, उनके नाम पे यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे लोग देखो भाई, हर कोई फोटो सेल्फी वगैरह में लगा हुआ है। ठीक है, अभी घड़ी में बज गया है 7:30 और मेरा पूरा एलिफेंटा का ट्रिप कम्प्लीट हो गया है। एक छोटा सा समरी मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा, आप कहीं पे भी रहते हो मुंबई में, लोकल ट्रेन पकड़ के आप चर्चगेट आ सकते हो, रेलवे स्टेशन में बात कर रहा हूँ, वहाँ से आप कैब या बस या टैक्सी यहाँ पे चलती हैं, तो आप यहाँ से गेटवे आ सकते हो। गेटवे से आपको फेरी के लिए टिकट लेना है, 260 रुपीज़ मैंने पे करा, 260 रुपीज़ में जाना और आना दोनों। अगर आपको ऊपर जाना होगा तो 10 रुपये आपको जाने का टाइम देना पड़ेगा और 10 रुपये आने का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्यों लेते हैं मुझे पता नहीं, मैंने आर्गुमेंट में उनसे करा नहीं, क्योंकि मुझे मतलब क्या ही आर्गुमेंट करूं। आते आते मैंने देखा एक बंदे ने आर्गुमेंट करा, उसने 260 में ही ऊपर भी चढ़ के गया और ऊपर चढ़ के वापस आया भी। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स। अगर अभी मेरे इससे सीधे साधे इंसान रहोगे भाई तो आप 10 रुपये देखें, झंझट मारी मत करना। आप अगर ऊपर बैठना होगा तो, नीचे बैठना होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद में 5 रुपये आपको लगेगा उस गांव में जाने के लिए, उसके बाद में 40 रुपये लगेगा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पूरा मैनेज करता है एलिफेंटा, वहाँ पे आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको टॉय ट्रेन से जाना है भाई तो 18 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, 9 रुपये जाने का 9 रुपये आने का। अगर आपको फन चाहिए तो आप बिल्कुल जाओ, अदरवाइज़ आप वॉक करके भी जा सकते हो, बहुत दूर नहीं है। खाने पीने के लिए वहाँ पे इनफ चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ पे आराम से भाई कुछ भी खा सकते हो। प्राइस थोड़े ज़्यादा है बट ठीक है, मतलब वहाँ पे है तो उतना तो आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, पानी भी नहीं, हर चीज़ आपको मिलेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप टाइम निकाल के जाओ। मैं लेट हो गया था, मुझे पहुँचते पहुँचते वहाँ पे 2:30 बज गया था, तो टाइम मेरे पास इनफ नहीं था कि मैं पूरा एक्सप्लोर करूँ। आप टाइम निकाल के जाओ वहाँ पे, बेहतरीन तरीके से आप शॉपिंग करो, बजट में चीज़ें अच्छे से मिल जाती है। ठीक है भाई, इस तरीके से था। और आते टाइम आप अगर शाम को आओगे, सनसेट अगर देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसा मुझे लगा। ठीक है, और उसी के लिए ही मैंने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करी। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें थी। और इन सब के अलावा कुछ और अगर छूट गया होगा जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं करा होगा तो प्लीज़ आप बिंदास पूछना, बेचक पूछना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और इमीडिएटली रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, प्लीज़ आप इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं करा होगा तो, और कुछ भी क्वेरीज रहेंगे तो भाई पूछना। और